Hey guys, this is Nirmal. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग ऑनर 9 लाइट की. यस, दिस इज द फोन. सो फोन को अगर हम पैकेजिंग निकाल देते हैं जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑर्डर किया है, सो पहले हमें बॉक्स मिलता है डायरेक्टली. बॉक्स को देख लेते हैं. बॉक्स के ऊपर आपको जो है लुक काफ़ी अच्छा मिलता है. डिज़ाइन और आई मीन डिज़ाइन तो ऐसा ही होता है, बट लुक वाइज काफ़ी अच्छा है. ऑनर की ब्रांडिंग देखने मिलती है और कुछ डिटेलिंग है जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके. बॉक्स को हम ओपन करते हैं, सील को तोड़ते हैं और बॉक्स को बाहर निकालते हैं, आई मीन फ़ोन को बाहर निकालते हैं बॉक्स से. सो फोन बाहर आया. फ़ोन हमारे हाथ में कुछ इस तरह से दिखता है. फ़ोन के साथ कुछ स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स को साइड में रखते हैं. साथ में हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क, शायद ही कोई पढ़ता होगा. पढ़े ना पढ़े, हमारा काम है दिखाना, कंपनी का काम है देना. सो उन्होंने दे दिया, हमने दिखा दिया, बस आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो. और कुछ और पेपर्स. फिर उसके बाद हमें एक केस मिलती है, जो ये अच्छी बात है कि कंपनी हमें केस भी दे रही है साथ साथ में, बहुत बढ़िया भाई. फिर एक चार्जिंग केबल मिलती है जो कि माइक्रो USB टू USB, और फिर एक वॉल अडेप्टर मिलता है जो कि 5V 2A, और ऑनर सेज की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. चीज़ें साइड में हटाया, फ़ोन को हाथ में लिया, पैकेट से बाहर निकाला और फ़ोन जस्ट ऑसम मैन. फ़ोन की डिज़ाइन बहुत बढ़िया यार. फ़ोन को हाथ में लेने के बाद इट्स सो लाइट वेट, यू कांट इवन फील इट. और जो डिज़ाइन है ना, बैक पैनल तो ग्लास से बना हुआ है, एकदम ग्लॉसी ब्लैक कलर, मिड नाइट ब्लैक में है ये फ़ोन, तो बहुत बढ़िया यार. पीछे का जो प्लास्टिक है निकाल दिया और देखते हैं अब यार, बहुत सही लग रहा है ये फ़ोन, क्या करें, बहुत सही है यार. ऐसा फ़ोन कैसे मिल जाता है? फ़ोन की कीमत 15,000 रुपये. आप बिल्कुल भी यकीन नहीं मानेंगे 15,000 रुपये में इस तरह का फ़ोन भी मिल सकता है. फ़ोन के कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं. फिजिकल डिज़ाइन तो ऊपर की तरफ 13 MP और 2 MP के कैमराज मिलते हैं, और नीचे की तरफ ऑनर की ब्रांडिंग. पीछे की साइड में भी सेम वैसा ही, दो कैमराज, फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे की तरफ ऑनर की ब्रांडिंग. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं. ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, पूरा फ़ोन खाली पड़ा हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन ये जो चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर देखने को मिलते हैं. ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने बताया पूरा फ़ोन खाली पड़ा हुआ है. और ये कैमरास फ्रंट में, टॉप में, और कुछ सेंसर्स बैक साइड में. आपको पता है क्या है, बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको, 5.7 inches का स्क्रीन है. साइड में आपको सिम इजेक्टर मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप सिम देखेंगे, सिम ट्रे, इसमें आप माइक्रो SD और हाइब्रिड सिम स्लॉट, बेसिकली आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता. बार बार बताने क्या ज़रूरत है यार, बार बार बताना पड़ता है. फ़ोन को बूट अप कर लिया मैंने, ओपन करके दिखा दिया, और भाई बहुत सही. कुछ एप्लीकेशंस हैं, ब्लोटवेयर है, बट होप्स हो कि इन एप्लीकेशंस को हटा सके हम. सेटिंग में जाके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या क्या मिला है. सो अबाउट फ़ोन कहाँ गया भाई, सिस्टम. या यहाँ पर अबाउट फ़ोन थोड़ा अलग है ऑनर का, जो EMUI बोलते हैं इसे. यहाँ पर EMUI 8 मिलता है देखने को, तो बहुत सही है. और इसकी सबसे खासियत जो मुझे लगी 15,000 के प्राइस ब्रैकेट में, और इवन 3GB वेरियंट इसका 13,000 मिल रहा है, इसमें आपको एंड्रॉयड 8 ओरियो देखने को मिलता है. कुछ गिने चुने फ़ोन हैं लाइक Mi A1 और कुछ शायद और कोई फ़ोन होंगे जो एंड्रॉयड ओरियो दे रहे हैं आपको, और मुझे नहीं लगता कि कोई और फ़ोन है जो एंड्रॉयड ओरियो दे रहा है इस प्राइस रेंज में, तो बहुत सही. मोटो G5S Plus में भी एंड्रॉयड ओरियो अपडेट मिल गया है, बहुत सही यार, बहुत अच्छी चीज़. मुझे ऑनर की तरफ से काफ़ी अच्छी बात है कि वो जो है एंड्रॉयड ओरियो दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग से ही ऑनबोर्ड लोडेड. और वी होप कि एंड्रॉयड पे भी मिल जाए लॉन्च होने के साथ साथ ही अपडेट टाइम पे. और कैमरा दिखा देता हूँ मैं आपको. कैमरा भाई कुछ इस तरह का है, क्या यार सेटिंग्स मांगते रहता है ये. सेटिंग्स ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाउ करना ही पड़ेगा भाई, बार बार अलाउ करना पड़ता है एंड्रॉयड. और फ़ोन क्लिक करके देखते हैं फोटो किस तरह की आई. 13 MP 2 MP. वैसे इसका जो ब्लर मोड है, ब्लर क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड, उतना अच्छा तो काम नहीं करेगा आई नो, बिकॉज 2 MP का ही डेप्थ सेंसर है. पर फिर भी बहुत बढ़िया है, 4 कैमराज वाला फ़ोन है. केसेस तो हम भूल ही गए थे, तो केस को हम लगा लेते हैं पहले, फटाफट फिट कर लेते हैं यार. केसिंग कैसे भूल, भूल कैसे गया मैं, भूल कैसे गया, फिर भी लगा लिया मैंने, भूलना चलो ठीक है. और पीछे से डिज़ाइन को छुपाना पड़ेगा, ग्लास पैनल है, अगर गिरेगा तो जल्दी टूट जाएगा. सो केसिंग उन्होंने पता है कंपनी को, इसलिए केस दे दिया तो उन्होंने. और फिंगरप्रिंट सेंसर तो बहुत फास्ट है यार, बहुत फास्ट है. इसका कैमरा रिव्यू, कैमरा कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो देख लेना. सो दिस इज़ हाउ द 1080p वीडियो लुक्स लाइक, जैसा कि आप देख सकते हैं. और फिलहाल ये रेयर कैमरा से ले रहा हूँ, 13+2 MP. और लेट मी जस्ट क्विकली स्विच इन टू फ्रंट कैमरा. फ्रंट कैमरे की फुटेज कुछ इस तरह से आती है, और ऑडियो भी डायरेक्टली इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और अभी जो है मैं यहाँ पर जो मेरे यहाँ पर विंडो है इसे जो है मैं ऑन कर देता हूँ, सो अभी आप देख सकते हैं विंडो ऑन कर ऑन, एक्चुअली विंडो खोल दिया मैंने. सो अभी देख सकते हैं बाहर की लाइटिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग आ रही है, और नॉइज़ भी आ रही है. सो यू कैन रियली गेस कि किस तरह से ऑडियो और वीडियो क्वालिटी काम कर रही है यहाँ पर, साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. दैट्स इट.
सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिया, जिससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, और अब तो डेली अपलोड कर रहा हूँ, सो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हर रात 8 बजे। दैट्स इट, बाय।